वर्तमान में नागपुर रोड में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा डाली जा रही सीवर लाइन के कारण क्षेत्रवासी भारी परेशानी में हैं। छिंदवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिना किसी नक्शे या अन्य विभागों की अनुमति लिए सीवर लाइन का काम किया जा रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन की लाइनें, पानी की पाइप, इलेक्ट्रिक की लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही है। लेकिन कंपनी और निगम के अधिकारी दोनों ही इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण दो दिनों से पूरे क्षेत्र की टेलीफोन लाइन एवं पानी की सप्लाई लाइन बंद पड़ी हुई है। लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। वन वे ट्रैफिक होने के कारण आवागमन मन में भी परेशानी हो रही है। तमाम शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। खुदाई स्थल पर निगम का कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है और ना ही अन्य विभाग के कर्मचारी वहां ध्यान दे रहे हैं, जिससे पूरे नागपुर रोड एवं चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट के अलावा उस रूट के व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोड ब्लॉक होने के कारण ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं तथा खुदाई से उड़ने वाली धूल के कारण उनकी दुकानों पर रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, इरिटेशन हो रहा है। वो जो बुलडोजर जो भी जो चल रहा है, जेसीबी वगैरह, और मतलब अभी जो सामान लगा हुआ है उसके कारण कल तक तो मतलब गिरा गाना थोड़ा वो कम हो गए थे, आज तो फिर भी ठीक है, मतलब उन्होंने कर दिया थोड़ा बहुत। कृपया करके इस काम को जल्दी किया जाए, और रोड में वन वे रोड जो किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी बात, व्यापारी लोगों का व्यापार करना मुश्किल कर दिया गया है। कृपया आपसे निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भैया, वैसे भी व्यापारी इतना परेशान है कि व्यापार तो वैसे ही, दिवाली भी उनकी अच्छे से गई नहीं है, और दूसरी बात व्यापार भी बहुत कम होता जा रहा है, डिक्रीज पोजीशन में चल रहा है, इंक्रीमेंट दिखाई नहीं आ रहा है, मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, वैसे ही व्यापार ठप चल रहा है। आपसे निवेदन है कि काम को जल्दी से जल्दी। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।